इक्वेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या होती है, जब भी कोई आप एक्सेल फाइल बनाते हैं गूगल शीट से, जब भी कोई एक्सेल शीट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन नहीं आता है और आपको मैन्युअली डेट लिखना पड़ता है, जो कि काफ़ी टिपिकल पड़ता है और काफ़ी उसमें स्लैश लगाने पड़ते हैं। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में। तो इस वजह से जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ उसमें आपको गूगल कैलेंडर लगाना बताऊंगा, किस तरह से गूगल कैलेंडर आप सेट कर सकते हैं। बस उसमें ऑटोमेटिक करंट डेट आ जाती है, जिस डेट को आप कैलेंडर ओपन करेंगे वहां पे टिक करेंगे जहां पे आपको डेट लिखनी है और कैलेंडर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिक आप डन कर देंगे और सेम डेट उसमें सिलेक्ट हो जाएगी। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और किस तरह से इसको एक्सेल को क्रिएट करना है, न्यू एक्सेल फाइल कैसे बनानी है, इसके बारे में तो आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जो पुरानी एक्सेल फाइल है, या फिर चलिए दिखा देते हैं आपको नई एक्सेल फाइल ओपन करके। ये न्यू एक्सेल फाइल है। सबसे पहले हमें डेट रखनी है, तो यहाँ पे डेट लिख लेंगे। अब इसका जो साइज है वो बड़ा कर लेंगे। साइज 20। कलर सेलेक्ट करना है, रेड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे नेम, इसका साइज भी हमें 20 रखना है। अब इसमें हमें कैलेंडर कैसे लगाना है, डेट कैसे लगानी है, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर ए पर क्लिक किया, अब 3 डॉट पे क्लिक करना है। डाटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑफ आइटम्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। डेट इज वैलिड, डेट इज बिटवीन, डेट इज नॉट बिटवीन, डेट इज ऑन और बिफोर, डेट इज बिफोर, डेट इज ऑन और आफ्टर, डेट इज आफ्टर। यहाँ पे हमें डेट इज वैलिड पे क्लिक करना है, सेव कर देना है। अब जैसे नेम वाले ऑप्शन में जब यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो हमारे सामने कैलेंडर नहीं आता है, और डेट वाले ऑप्शन में लिखेंगे तो कैलेंडर आ जाता है। यहाँ से ऑटोमेटिक करंट डेट सेलेक्ट हो जाती है, इस पे ओके करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं डेट को, ये आपको बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत से लोग इसको काफ़ी लंबा बना देते हैं, इसमें कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, आसानी से इसको सेलेक्ट करके और अपने एक्सेल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मुझे लगता है जानकारी पूरी हो गई है, और अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट देकर हमें ज़रूर बताएं।